नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 31 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट घोषित। बिहार की बेटी बनी सेकंड टॉपर। जारी हुआ बिहार डीएलएड एग्जाम का फॉर्म। बिहार के विश्वविद्यालयों से मिलने वाली हर डिग्री रहेगी ऑनलाइन। बिहार में समय से पहले मॉनसून आने के आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट घोषित। बिहार की बेटी बनी सेकंड टॉपर। बीते दिन सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इस बार लड़कियों का बोलबाला देखने को मिला है। जारी किए गए इस परीक्षा परिणाम में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, तो दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल और तीसरे पर गामिनी सिंगला रही। चौथे नंबर पर ऐश्वर्य वर्मा रहे। पांचवी रैंक उत्कर्ष द्विवेदी को मिली है। यक्ष चौधरी छठे नंबर पर रहे। आठवीं रैंक इशिता राठी, नौवीं रैंक प्रीतम कुमार और दसवीं रैंक हरकीरत सिंह रंधावा को हासिल हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में मुजफ्फरपुर के दो युवकों ने परचम लहराया है। दोनों युवक जिले के मीनापुर प्रखंड के हैं। प्रखंड के टिंगराहा निवासी अभिनव ने परीक्षा में 146वां रैंक प्राप्त किया। वहीं मुकुटसुदपुर के विशाल कुमार को 484वां रैंक हासिल हुआ। वहीं मोतिहारी के शुभंकर को 11वां रैंक हासिल हुआ है। इसके अलावा भी कई लोग बिहार से इस परीक्षा में पास होने में कामयाब रहे हैं। जारी हुआ बिहार डीएलएड एग्जाम का फॉर्म। बीते दिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने डीएलएड एग्जाम फॉर्म 2022 को जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर एप्लीकेशन फॉर्म लिंक एक्टिवेट कर सकते हैं। इस बिहार बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा या डीएलएड फॉर्म को लेकर कोई परेशानी होने पर उम्मीदवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612232074 2232257 2232239 जारी किया। साथ ही ध्यान रहे डमी एडमिट कार्ड 13 जून से 16 जून के बीच पर जारी होने का अनुमान है। वहीं ध्यान रहे कि फॉर्म भरने की पहल बीते दिन से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जून 2022 है। किसान सम्मान योजना के खाते में ईकेवाईसी का बढ़ा समय। किसान सम्मान योजना में ईकेवाईसी का समय सरकार ने 2 महीना बढ़ा दिया है। अब किसान 31 जुलाई तक ईकेवाईसी करा सकते हैं। साथ ही ईकेवाईसी से वंचित किसानों के भुगतान पर रोक इस बार के लिए हटा लिया गया है, लेकिन लगभग 87,700 ऐसे किसान अब भी लाभ से वंचित रहेंगे। इनका खाता अभी दुरुस्त नहीं हुआ। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार केंद्र सरकार 31 मई को राज्य के 82,57,666 किसानों के खाते में योजना की 11वीं किश्त की 1651,53,32,000 रुपए की राशि डालेगी। किसानों के खाते में एक साथ ये राशि जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वो हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंधन, रेखाचित्र संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। 100% हाजिरी वाले सफाई कर्मियों को ढूंढेगा नगर निगम। ऐसे सफाई कर्मियों को अब ढूंढने की तैयारी हो रही है जिनकी उपस्थिति पूरी की पूरी 100% दिखाई गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना नगर निगम उन 900 कर्मियों को ढूंढ रहा है जिन्होंने 100% की हाजिरी लगाई है, क्योंकि बीते 15 दिन के रिपोर्ट को देखे तो पटना नगर निगम से वेतन ले रहे आउटसोर्स के करीब 900 सफाई कर्मचारी पिछले 15 दिनों में गायब है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया, तब अब 40% कर्मचारी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, जिसको ही निगम प्रशासन ने बड़ा गड़बड़झाला माना है। निगम के अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आउटसोर्स कर्मी बायोमेट्रिक हाजिरी जांच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उन सभी को 1 जून से हटाकर नए सफाई कर्मियों को रखने की योजना बनाई जा रही है। NIT पटना ने दिया प्रोफेसर बनने का मौका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने अभी हाल ही में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पदों के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से 85 पद पर आवेदन की मांग की है। ये पद सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के लिए रिक्त है, जिनमें प्रोफेसर के लिए कुल मिलाकर 12 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुल मिलाकर 24 पद और बाकी 49 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में PhD की डिग्री और 1 से 10
10 साल तक का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 जून 2022 तक www.nitp.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फंड से मिलेगा स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं। कोरोना काल में अपने माँ और पिता दोनों को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए अब केंद्र की मोदी सरकार सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनाथ हुए बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसके बाद पीएम केयर्स फंड से स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं देने की जानकारी दी है। साथ ही इस योजना के तहत इन बच्चों के लिए बीते दिन छात्रवृत्ति भी जारी की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की इस योजना का मकसद ऐसे बच्चों की मदद करना है जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच अपने माता पिता, कानूनी अभिभावक, दत्तक माता पिता को खो दिया हो। बिहार के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली हर डिग्री रहेगी ऑनलाइन। बिहार के विश्वविद्यालयों में डिग्रियों का ऑनलाइन संग्रहण सुनिश्चित करने का काम शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बगैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के संचालन और उसके नाम पर दी जाने वाली डिग्रियों की शिकायतों का समाधान के लिए बिल्कुल सुरक्षित रास्ता निकाला है। इसके साथ ही सरकार ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी संस्थानों और बगैर मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्सों को लेकर कुलाधिपति सचिवालय ने कुलपतियों को सतर्क किया है और एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि UGC ने भी विश्वविद्यालयों को डिग्रियों का एकल डिपॉजिटरी डीजी लॉकर में रखने को कहा है। इसके साथ ही अब नए सत्र में बगैर मान्यता वाले पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के नाम लेने पर जिम्मेदार संस्थान के संचालक पर कार्रवाई होगी। बिहार के 130 लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे पीएम मोदी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वैशाली जिले के 130 लाभार्थियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। इसके तहत ही आज वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। इस मौके पर वो बिहार के भी 130 लाभार्थियों के साथ जुड़ेंगे, जिसको लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में तैयारियां शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने फहराया परचम। बिहार के खिलाड़ियों ने अब तक कई सारे मंच पर बिहार का मान बढ़ाया है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों ने भारत के नाम 2 मेडल किया। नेपाल के काठमांडू स्थित दशरथ स्टेडियम में चल रहे 8वें माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में मुजफ्फरपुर के 2 खिलाड़ियों ने भारत की झोली में 2 मेडल डालकर देश का मान बढ़ाया है, जिसके तहत अब अंडर 17 74 किलोग्राम कुमिते फाइट के बालिका वर्ग में गोला रोड निवासी सुशील पाहुजा और कृति पाहुजा की पुत्री आशा पाहुजा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग 73 किलोग्राम कुमिते फाइट में मालीघाट निवासी चंद्रा पंडित और शीला देवी के पुत्र सूरज कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आज डिपो से तेल उठाव का काम नहीं करेंगे डीलर। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती का विरोध आज देखने को मिलेगा, जब मांगों के समर्थन में पेट्रोलियम डीलर्स अपना आंदोलन तेज करेंगे। इसी के तहत वो 31 मई को पेट्रोल और डीजल की खरीदारी IOC, BPCL और HPCL के डिपो से नहीं करने वाले हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को असुविधा ना हो, इसके लिए पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री सामान्य रूप से रहेगी। पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमत अचानक 8 से 10 रुपए घटा दी जाती है, इससे उन्हें खरीद मूल्य में कम कीमत पर पेट्रोल डीजल बेचना पड़ता है। एक ही दिन में औसतन 12 से 15 लाख रुपए का घाटा हो जाता है। नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल डीजल के मूल्य में बड़ी कटौती की गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान डीलरों को हुआ। बिहार में समय से पहले मानसून आने के आसार। बिहार में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ने लगी है, क्योंकि बारिश की छिटपुट स्थिति बिहार के अलग अलग जिलों में जरूर देखने को मिली है। वहीं रविवार को हुई बारिश के बाद अब बिहार में मॉनसून के भी समय से पहले आने की संभावनाओं को पर लग गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार केरल में मानक समय से 3 दिन पूर्व मानसून के आगमन से बिहार में भी इसके समय पूर्व आगमन के आसार प्रबल है। बिहार में पिछले 2 सालों से मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है, ऐसे में ये 3रा साल होगा जब मानसून के समय से पहले आगमन के आसार जताए जा रहे हैं। पूर्णिया में मानसून 13 जून को पहुंचता है, इसके बाद ये राज्य भर में प्रसार करता है। मौसमविदों का कहना है कि अब बिहार में प्री मानसून गतिविधियों में पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ोतरी देखी जाएगी। उत्तर और दक्षिण बिहार में भी बारिश की गतिविधियां आंशिक रूप से बढ़ेंगी।
5 जिलों में नहीं खुला एक भी एकलव्य सेंटर। ओलंपिक की तैयारी में जुटे बिहार के 5 जिलों में सरकार की घोषणा के बाद भी एकलव्य सेंटर नहीं खोला गया, जिसमें बिहार के बेगूसराय, बांका, मधेपुरा, वैशाली, समस्तीपुर और भोजपुर में अलग अलग खेलों के लिए एकलव्य सेंटर खोले जाने की योजना थी। योजना के अनुसार बेगूसराय में कुश्ती, औरंगाबाद में कबड्डी, बांका में तीरंदाजी, भोजपुर में तीरंदाजी और मधेपुरा में एथलेटिक्स के एकलव्य सेंटर बालकों के लिए खोले जाने थे, लेकिन अब तक सेंटर खोलने की प्रक्रिया कला संस्कृति एवं युवा विभाग के फाइलों में ही उलझी है। अब स्थिति यह है कि इन खेलों के लिए सूबे में खिलाड़ियों को ना तो बेहतर आधारभूत संरचना मिल पा रहा है और ना ही बेहतर ट्रेनिंग। ऐसा तब है जबकि 5 जिलों में एकलव्य सेंटर खोलने की योजना की मंजूरी साल 2019 में ही मिल चुकी है। बिहार में अब यहां ऑटो से चलना हुआ महंगा, सीएनजी के दाम बढ़ने के असर अब दिखने लगा है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ एक्टू, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ सीटू और पटना महानगर टेम्पू चालक संघ की संयुक्त बैठक में ऑटो किराए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब पटना में ऑटो का न्यूनतम किराया बीते दिन से 7 की जगह अब 10 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑटो यूनियन ने अन्य तरह की वृद्धि को पेट्रोल और डीजल के दाम में आई गिरावट को देखते हुए तत्काल के लिए रोक दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले पेट्रोल और सीएनजी की कीमत में तेज वृद्धि का हवाला देते हुए इन्हीं ऑटो यूनियनों के द्वारा 30 मई से ऑटो किराए में प्रति स्टॉपेज 2 रुपए और रिजर्व में 15 से 20 रुपए तक वृद्धि करने की घोषणा की गई थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। शिवहर के देकुली धाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में केवल 2 मंदिरों में ही श्री यंत्र लगा हुआ है। एक है देवघर के बाबा बैजनाथ धाम मंदिर और दूसरा है इस शिवहर जिले का बाबा भुवनेश्वर जिले का बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर यानी देकुली धाम मंदिर। इस अति प्राचीन मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण द्वापर काल में किया गया था। मंदिर के पश्चिम भाग में एक तालाब है जिसकी खुदाई करीब 1962 में छतौनी गांव निवासी संत प्रेम भिक्षु ने करवाई थी, जिसमें द्वापर काल की दुर्लभ पत्थर और धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसे मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ अति प्राचीन मौल श्री वृक्ष के पास स्थापित किया गया है। इस मंदिर के पौराणिक और धार्मिक महत्व के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार राम और भगवान शिव के अवतार परशुराम ने इसी मंदिर में साथ में पूजा की थी। आरसीपी सिंह का टिकट काटे जाने पर सीएम नीतीश ने दिया रिएक्शन। जदयू कोटे से आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने का रास्ता बंद करने के साथ ही बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं अपने चरम पर है। इसी बीच अब इस मामले को लेकर खुद सीएम नीतीश ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। अभी सांसद के रूप में आरसीपी सिंह का कार्यकाल बचा हुआ है। एक अन्य सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में सब कोई एकजुट है, राज्यसभा उम्मीदवारी के निर्णय पर आरसीपी सिंह को भी कोई ऐतराज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए जदयू द्वारा उनके नाम काटे जाने के सवाल पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का आभार भी व्यक्त किया है। राजद ने किया बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बिहार में राज्यसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद चुनाव की भी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर ही तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर रही है। हाल ही में राजद ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी, जिसके बाद ही अब राजद ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का काम किया है, जिसके तहत ही पार्टी ने कारी सोहेब, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी। ज्ञात हो विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इनमें भाजपा और जदयू के भी कई प्रत्याशियों का नाम शामिल है। 6 सीट एनडीए की खाली हो रही है, जबकि 1 सीट मुकेश सहनी वाली खाली हो रही है। ऐसे में इस चुनाव में सबसे ज्यादा सबकी नजर जदयू पर है। राज्यसभा नहीं जाने को लेकर आरसीपी सिंह ने दिया बयान। बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जनता दल ने इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। हालांकि अब तक तो आरसीपी सिंह का बयान इस मामले में नहीं आया था, लेकिन अब उन्होंने इस मामले में अपनी बात कही है, जिसके तहत ही जब मीडिया कर्मियों ने इनसे बीते दिन टिकट नहीं मिलने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू के साथ मेरा 22 साल का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने हमेशा मेरे हित में ही फैसला लिया, इस बार भी उन्होंने मेरे और पार्टी के हित में ही फैसला लिया होगा। मैं जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाला हूँ। लालू प्रसाद यादव के साले को मिली 3 साल की सजा। लोकसभा के पूर्व सदस्य और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को बीते दिन पटना सिविल कोर्ट की तरफ से 3 साल की सजा सुनाई गई है। ज्ञात हो साधु यादव के खिलाफ साल 2001 में परिवहन विभाग में हंगामा और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। 21 साल के बाद बीते दिन साधु यादव को MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। 3 साल की सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने उनको प्रोविजनल बेल दे दिया। आपको बता दें कि ये वही साधु यादव है जिनकी लालू राबड़ी से काफी ज्यादा अनबन थी। लालू के बिहार की सत्ता से बाहर जाने के बाद साधु के साथ बहन और जीजा के साथ रिश्ते बिगड़े तो वो राजनीति में अर्श से फर्श पर आ गए हैं। आंध्र प्रदेश के बाद बिहार और महाराष्ट्र के लोग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़े।
नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आयुष भारत डिजिटल मिशन से देश भर के 22.1 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड में साझा आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक लोगों के पास आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। वहां 286.1 लाख लोग इस योजना में रजिस्टर्ड है। 147.7 लाख रजिस्टर्ड लोगों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे पायदान पर रहने वाले महाराष्ट्र में 143.2 लाख लोगों के पास आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आसान उपयोग और समावेशी के सिद्धांतों पर बनाया गया है। लोगों को आयुष्मान भारत योजना के संबंध में सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से मिले, इसलिए स्कीम से जुड़ी योजना और सूचना पब्लिक डैशबोर्ड में सार्वजनिक की गई। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में 1774 में पहला डाक सेवा कार्यकाल खोला गया। बंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार 1921 में किया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत ने 1959 को शरण दी। बंबई के 1964 में इलेक्ट्रिक ट्रॉम अंतिम बार चली। भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून 2010 में आज ही के दिन बना। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म 1577 में आज ही के दिन हुआ। भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का निधन 1988 में आज ही के दिन हुआ। भारत के विशिष्ट निबंधकारों में से एक पूर्ण सिंह का निधन 1931 में आज ही के दिन हुआ। आईपीएल जीतने के बाद अब हार्दिक पांड्या का लक्ष्य T20 वर्ल्ड कप जीतना। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आईपीएल जीतने के बाद T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि अब उनका लक्ष्य T20 वर्ल्ड कप जीतना है। आईपीएल फाइनल के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत के लिए विश्व कप जीतना ही है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे देने के लिए मैं हमेशा उस तरह का व्यक्ति रहा हूं जो हमेशा टीम को पहले रखता है, इसलिए मेरे लिए लक्ष्य सरल होगा, ये सुनिश्चित करना कि मेरी टीम इसे सबसे अधिक प्राप्त करे। भारत के लिए खेलना हमेशा से एक सपने के सच होने जैसा रहा, चाहे मैंने कितनी भी बार या खेल में खेला हो। देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात रही है। मुझे जिस तरह का प्यार और समर्थन मिला है वो विशुद्ध रूप से भारतीय दृष्टिकोण से है। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, एक लक्ष्य है, मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 पर केस हुआ दर्ज। बिहार के बेगूसराय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 पर परिवाद दायर हो गया है, जो कि बेगूसराय जिला न्यायालय के मुख्य न्याय दंडाधिकारी रूपा कुमारी के न्यायालय में टीएस इंटरप्राइजेस के प्रोपाइटर परिवाद नीरज कुमार निराला ने परिवाद दायर किया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इनके विरुद्ध परिवाद पत्र संख्या 812/2022 में भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120B और NI एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि 2021 में न्यू ग्लोबल उपवर्धक इंडिया लिमिटेड का CNF लिया गया है। CNF लेने के लिए 36,86,000 रुपए कंपनी को दिए गए, जिसके बाद कंपनी ने फर्टिलाइजर भेज दिया, लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी होने लगी। कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक तो दिया, लेकिन जब चेक को बैंक में डाला गया तो वो बाउंस कर गया। स्मार्टफोन की स्क्रीन लॉक होने पर भी भेजे व्हाट्सएप मैसेज। दिग्गज कंपनी एप्पल अपने आईफोन स्मार्टफोन यूजर को कई ऐसे फीचर्स देने की कोशिश करती रहती है। आईफोन पर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करने का एक तरीका ऐसा भी है जो एंड्रॉइड पर नहीं है। इस फीचर के जरिए आप आईफोन की स्क्रीन लॉक होने के बावजूद व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही ये नया और कमाल का फीचर बहुत ही अहम माना जा रहा है। बता दें कि व्हाट्सएप पर किसी भी मैसेज का जवाब देने के लिए आपको अपने फोन की स्क्रीन को अनलॉक करना होता है, लेकिन अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप स्क्रीन लॉक होने के बाद भी रिप्लाई दे सकते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्विक रिप्लाई फीचर एप्पल आईफोन 6S और नए आईफोन मॉडल जैसे आईफोन 13, आईफोन 12, आईफोन 11 के लिए उपलब्ध है। इब्राहिम अली खान को लॉन्च करने जा रहे हैं करण जौहर। सुहाना खान खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस वक्त उनकी फिल्म द आर्चीज की शूटिंग चल रही है। खासकर सुहाना को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है। इस स्टार किड के अलावा काफी समय से इब्राहिम अली खान के डेब्यू के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान पहले ही धमाल मचा रही है। अब इब्राहिम की पहली फिल्म को लेकर जानकारी सामने आई है। इब्राहिम एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखने से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, अब वो एक्टिंग में जलवा बिखेरेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सुजीत कुमार, पंकज सिंह, रंजीत मिश्रा, नवीन कुमार, मंडन यादव, संजय कुमार, पवन अंगारा, राजू
राज, रुपेश कुमार, प्रकाश कुमार, राजीव कुमार, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस कवि ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।